ईंधन और घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों की कीमतों में हो रही वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भद्रावती की ओर से तालुका गेट पर चंद्रपुर नागपुर राजमार्ग के पास आंदोलन किया गया। साथ ही तहसीलदार को इस बारे में निवेदन भी सौंपा गया। देश का हर नागरिक पिछले 1.5 साल से कोरोना संकट से जूझ रहा है। कोरोना बीमारी, दवा, अस्पताल खर्च, सख्त कर्फ्यू के कारण समाज का हर वर्ग गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ईंधन और घरेलू गैस की कीमतों को बढ़ाकर आम जनता को लूट रही है, ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से कहा गया। इसी के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भद्रावती तालुका गेट पर चंद्रपुर नागपुर राजमार्ग के पास आंदोलन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राका तालुका अध्यक्ष सुधाकर रोहनकर, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट युवराज धानुरकर, शहर अध्यक्ष सुनील महाले, असंगठित कामकाज जिला अध्यक्ष फयाज शेख, महिला शहर अध्यक्ष शबिया देवकड़े, महिला अध्यक्ष तालुका दुर्ग विश्वास, महिला असंगठित जिला अध्यक्ष शाहिस्ता खान, युवक तालुका अध्यक्ष स्वप्निल लांबट, माजी पंचायत सभापति धनराज विरुडकर, संजय आसवली, रोहित वाबिटकर, युवक शहर अध्यक्ष रोहन कुटेमाटी, रवि नागपुरी, पनवेल शेंटी, संदीप चौधरी, रोशन कोमरेड्डी पार, साहिल देवकड़े, कुणाल मेंटी, नितेश जगताप, प्रमोद पावरे, आशीष लिप्टे उपस्थित थे। देशाचा प्रत्येक घटक, प्रत्येक समाजाचा माणूस हा औषधी, रासायनिक खत, रुग्णालय यापासून होडकळून गेलेला आहे। त्याला स्वतःला जगावं कसं हे आज खूप मोठं त्याच्यावर संकट आलेलं आहे। आणि या संकटात या मोदी सरकार आणि भाजपच्या लोकांनी आज पुन्हा गॅसवर 14 किलोच्या गॅसवर 25 रुपये आणि 19 किलोच्या गॅसवर 76 रुपये असे किंमत वाढवून पुन्हा या भारताच्या जनतेवर एक आघात केलेला आहे। आम्ही आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटील साहेब यांच्या या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जे संकट आलेलं आहे, लोकांना खूप मोठा प्रश्न पडलेला आहे की आपली पोटजीविका कशी भरावी आणि बाकीचा जे आपला खर्च आहे ते कुठून कसं करावं। रोज मजुरी नाही लोकांना आणि केंद्र सरकारनी इंधन दरवाढ करून टाकलेली आहे। थोडाही विचार गरिबाचा न करता एवढा मोठा निर्णय दर 2 महिन्यांनी एक निर्णय येते, दर 2 महिन्यांनी एक निर्णय येते, त्यावर केंद्र सरकार कधीच गरिबाचा विचार केलेला नाही आहे। बीसीएन न्यूज के लिए भद्रावती से शंकर डे की रिपोर्ट।